हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के इस छोटे से सेशन में मैं क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर डिस्प्ले करूंगा। जो भी बच्चा ईएसी पेपर टू इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का टफनेस कैसा था। तो यार, एक चीज़ तो मान लो कि अगर आपके पास टोटल 180 मिनट्स का टाइम दिया गया है और लगभग आपको 150 क्वेश्चन डील करने हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं टाइम कंस्टेंट इज बिना बिग कंस्टेंट इन ईएसी, जो आपको गेट में देखने को नहीं मिलता। वहाँ केवल 65 क्वेश्चन थे। अगर बाय द वे मैं अपना टेक्निकल एक्सपर्ट्स देने की कोशिश करूँ कि ईएसी इलेक्ट्रिकल का 2022 का पेपर कैसा था, तो मैं लगभग लगभग बोलूंगा मॉडरेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इनटू द गेट एकेडमी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, इसके कारण शुरू के 2 से 3 मिनट शायद कुछ बफर हो रहा था या ग्लिचेस थे, बट एनीवेज टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम कर ली गई है। तो मैं एक बार फिर से फटाफट बता देता हूँ कि आज के 15 से 17 मिनट में अपन क्या करने जा रहे हैं। 15 से 17 मिनट में मैं क्या करूँगा, ईएसी टेक्निकल पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड के क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके हमारे आंसर्स दिखाऊंगा। अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में लगता भी है कि उसके आंसर कुछ अलग हो सकते हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वी कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ओवर देयर। तो ध्यान रखेंगे, जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वो सेट सी का ले रहा हूँ। तो जो भी बच्चा सेट ए या सेट बी में अपीयर होगा, उनको कई बार ये पेन होने लगता है कि सर मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर सी आ रहा था। तो भाई, तुम्हारा सेट अलग था, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लोकेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। तो आप अगर सेट सी दिला रहे हैं, तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन नंबर से पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या था। और अगर बाय द वे आप सेट ए और बी से फॉल करते हैं, तो आप रिलेवेंटली क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि किस नंबर पे फॉल कर रहा था। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। आज 15 मिनट में अपन डिस्कस कर लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन पेपर टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड। ठीक है, और मैं यहाँ रेफरेंस ले रहा हूँ सेट सी का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक व्हील चार्ट दिखा देता हूँ, जो आपको लगभग लगभग ये बताएगा कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन था क्या। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चा अगले साल तैयारी कर रहा है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका पीडीएफ जो है वो नीचे गूगल ड्राइव के लिंक में लगातार कमेंट करवाता रहूंगा। तो एक काम करेंगे, गूगल ड्राइव का लिंक बनवा लेंगे और बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे, तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, व्हील चार्ट को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। वर्टिकल राइट से स्टार्ट कर रहे हैं आपको क्लॉक को इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब स्टार्टिंग डेटा जो है वो 8% है और जो एंड डेटा है वो 8% है। और आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट राइट जैसे अपन किताब पढ़ते हैं। तो ओवरऑल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज जो था वो 8% था। 8% का मतलब 150 गुणित 8 डिवाइडेड बाय 100। तो लगभग लगभग आप ये मान के चलो ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड। 12 के आसपास मैथमेटिक्स से क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन भी थे, मतलब कि मैथमेटिक्स में रियली कुछ ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन थे जो गेट में भी जनरली नहीं देखे जाते। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मटेरियल का अच्छा खासा वेटेज था। इलेक्ट्रिकल मटेरियल का लगभग 10% का वेटेज था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स, इसमें दोनों आता है, ध्यान देना, इसमें नेटवर्क भी आ जाता है और थोड़ा सा आपका फील्ड थ्योरी भी आ जाता है। दोनों मिला के लगभग लगभग क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो 7% के आसपास आए हैं। सिमिलरली 8%, 8%, 10%, 7%। आप इसका एक बार रफली आइडिया ले लेंगे तो आप लोगों को कम से कम ये आइडिया रहेगा कि ईएसी में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरीके से था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो स्पैन दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं 10% यहाँ कहीं दिख रहा है ना। तो इलेक्ट्रिकल मशीन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इवन ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, बट यस। तो आप इसका रेफरेंस लेके आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बाय द वे ईएसी अगर बहुत अच्छा नहीं गया और आप अगर इन फ्यूचर अपना प्रिपरेशन को फिर से कंटिन्यू रखना चाहते हैं, एनीवेज फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो सेट सी का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो जो बच्चा इलेक्ट्रिकल पेपर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सेट सी से अपियर होता है, वो सीधे सीधे देख सकता है कि किस क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर है। और बाय द वे कोई दूसरे सेट से फॉल करता है तो वो रिलेवेंसी के साथ क्वेश्चन को मैप करके आंसर चेक कर सकता है। ठीक है, एक बताएंगे ये फ्लैश हो रहा है क्या? फ्लैश होगा तो मैं इसको नाइट मोड में डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं यही करता हूँ, नाइट मोड में ही डाल देता हूँ, आप लोगों की विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। जस्ट मिनट। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, आंसर है इसका भी। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन जो था रिसीवर पैरामीटर, मतलब कि कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, हमारे हिसाब से इसका आंसर है सी। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी आप देखेंगे गेन इन यूनिफॉर्म ओवर अ वेरी वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज, फिर से कम्युनिकेशन का था, आंसर इज बीन ए। सिमिलरली क्वेश्चन फोर में इंपल्स नॉइसेस वगैरह के बारे में बात कर रहा है, ये भी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का था, आंसर इज बीन बी। सिमिलरली इसी सीक्वेंस में फिफ्थ क्वेश्चन में बात कर रहा है फिर से मेमोरी लेस सोर्स डीएमएस इनटू सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सिंबल इन कॉल्ड सोर्स कोडिंग। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मेरे को फिर से लग रहा है कम्युनिकेशन का है, और हमारा आंसर है इसका
फिफ्थ का, जस्ट अ मिनट ए. सिमिलरली सिक्स्थ क्वेश्चन जो था, सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेटर. फिर से मॉड्यूलेटर का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली ये फिर से कम्युनिकेशन में फॉल करेगा. और सिक्स्थ का आंसर हमारे हिसाब से था सी. सेवन क्वेश्चन देखते हैं, तो देख के समझ में आ रहा है सैम्पलिंग वगैरह के बारे में बात हो रही है, डेफिनेटली इट्स बीन अ प्रॉब्लम ऑफ सिग्नल सिस्टम, और इसका आंसर है सी. एट्थ, अगर आप एट्थ देखेंगे तो यहाँ गॉसियन रैंडम प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है. भाई कम्युनिकेशन में दबा के क्वेश्चन दिया है, और कम्युनिकेशन में ऐसा भी नहीं कि केवल स्टार्टिंग के एनालॉग कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन डिजिटल कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो आज के पास ये जान लो कि अगर तुमको ईएसी इलेक्ट्रिकल क्रैक करना है तो कम्युनिकेशन को भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे. एनीवेज, इसका आंसर हमारे हिसाब से है डी. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो पीसीएम से था, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन से. पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन हमारे हिसाब से जो आंसर होने जा रहा है वो होने जा रहा है 3.57 मेगाहर्ट्ज़. आंसर इज बीन ए. ठीक है, अगर आप लोगों का कोई कमेंट है तो कमेंट करते जाओ, मैं देख लूंगा. अदरवाइज मैं चाह नहीं रहा कि आप लोगों का प्रीसियस टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करूं. मैं चाहता हूं 15 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन की फटाफट आप लोगों के आंसर कीज में जो है आप लोगों को प्रेजेंट कर दूंगा. और एक काम और भी करेंगे, टुमेश इसका गूगल ड्राइव बन गया होगा तो बीच बीच में लिंक शेयर करते रहना, तो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे. लिंक शेयर कर दिए तो आप देखिए हमारी टीम जो है वो बीच बीच में लिंक भी शेयर कर रही है, तो जो पीडीएफ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना वो पीडीएफ आप प्यार से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पीडीएफ का रेफरेंस लेके एनालिसिस भी कर सकते हैं. ठीक है, कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, या फिर अगर अगली बार तैयारी करनी है तो आपका पैटर्न किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से इंडेंट कर सकते हैं. सिमिलरली इसी सिक्वेंस में आया क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ से असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं प्रोबेबली. यहाँ से असर्शन और रीजन के प्रॉब्लम चालू हो रहे हैं, और यहाँ पर असर्शन और रीजन के चार सीक्वेंसेस जो होते हैं ऑप्शंस के वो हमेशा सेम होते हैं. तो जो बच्चा ये सी दिलाया होगा या ये सी का पैटर्न जानता होगा डेफिनेटली ही नोज अबाउट इट. पहला था बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन. तो ये तभी ट्रू होगा जब इंडिविजुअली वन एंड टू सेम हो, लेकिन साथ में ये स्टेटमेंट भी है, एंड स्टेटमेंट टू जो होना चाहिए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए स्टेटमेंट वन का, या फिर मैं ये बोलूँ कि स्टेटमेंट टू जो होगा वो वन का कारक होना चाहिए, इनिशिएटर होना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली बी जो है बोथ स्टेटमेंट वन आर बीन इंडिविजुअली ट्रू, जबकि दो जो है वो फर्स्ट का कारक नहीं है. और मुझे लगता है कि लगभग टाइम आपके क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि दो में से एक गलत होता है एक सही होता है. स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू. और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना यहाँ ये चारों के चारों ऑप्शन वो बार बार नहीं लिखेंगे, केवल असर्शन और रीजन लिखेंगे, या फिर मैं वर्चुअली बोलूँ स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू लिखेंगे. तो आपको ध्यान देना कि कभी भी मैं ऑप्शन बी बोलता हूँ तो बाई डिफॉल्ट आई हैड बीन रिफरिंग द ऑप्शन वेयर द एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू आर बोथ करेक्ट, लेकिन एक्सप्रेशन टू जो था वो एक्सप्रेशन वन का कारक नहीं था, कॉज नहीं था. इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्विकली नॉर्मल एटमोसफियर. ये है क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लेते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 10. यस, क्वेश्चन नंबर 10 है. ठीक है, मेरे हिसाब से मटेरियल्स का क्वेश्चन है. एनीवेज द आंसर इज बीन बी, देख लेंगे इसका. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये नेटवर्क का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है ए. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से पढ़ेंगे. इफ द गेन मार्जिन की बात आई तो डेफिनेटली कंट्रोल सिस्टम में नाइक्विस्ट प्लॉट या पोलार प्लॉट की ध्यान आती है, तो कहीं ना कहीं 12th क्वेश्चन जो था वो था कंट्रोल सिस्टम का. अकॉर्डिंग टू अस द बेस्ट मोस्ट आंसर इज बीन सी. सिमिलरली अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन निगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड टू आइडियल एम्पलीफायर, कहीं ना कहीं एनालॉग सर्किट का क्वेश्चन था. क्वेश्चन 13 का अप्रोप्रिएट आंसर हमारे हिसाब से है बी. सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, देख के समझ में आ रहा है ये ऑस्किलेटर का प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसीज वगैरह से डील कर रहा है, फिर से ये एनालॉग सर्किट का प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू अस आंसर इज बीन ए. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 FDM ट्रांसमीटर, और यहाँ पर फिर से एम, सिंगल साइड बेस, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, तो यहाँ कुल मिला के ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि मैं कम्युनिकेशन डोमेन के प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ. तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन का वेटेज अच्छा खासा रहा है, और अकॉर्डिंग टू अस द आंसर इज बीन ए. सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं, देख के समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम जेट ट्रांसफॉर्मेशन का है. अकॉर्डिंग टू अस द आंसर इज बीन सी. इसी सिक्वेंस में अपन आगे जाएं, ठीक है, यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शंस वगैरह के बारे में बात हो रही है, देख के समझ में आ रहा है सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू अस द बेस्ट मोस्ट आंसर इज बीन ए. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, आपके पास डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स सिग्नल का ट्रेन है, और यहाँ भी एक प्रॉब्लम जो है सिग्नल सिस्टम का है. अकॉर्डिंग टू अस द आंसर इज बीन बी. फिर से देख पा रहे हैं कि आपके पास दो स्लोपी सिग्नल है, और यहाँ पर सडन चेंज देखने को मिला है टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, फिर से सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है. एंड फ्रॉम
आर साइड द आंसर मस्ट बी सी. देख के समझ में आ रहा है कि आपके पास एक 2W विड्थ का पल्स विड्थ है, हाइट है इस गिवन. फिर से एक सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम होना चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का. यस, फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही है. तो टाइम डोमेन पे आप एनालिसिस करते हुए इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करते हैं. एनीवेज द बेस्ट मोस्ट आंसर फ्रॉम आर साइड इज बीन सी. फिर देख सकते हैं कि आपके पास टाइम डोमेन एक सिग्नल है, या टाइम डोमेन आपको फंक्शन है, उसको फिर से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम होगा. अकॉर्डिंग टू आर साइड द आंसर इज बीन ए. सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो कन्वोल्यूशन का था. तो आपको कन्वोल्यूशन में जनरली आपके पास सिस्टम दिया हुआ होता है टाइम डोमेन में, इनपुट दिया होता है टाइम डोमेन में, आपको कन्वोल्यूट करना होता है. एनीवेज द प्रॉब्लम जो था वो सिग्नल सिस्टम का था. फ्रॉम आर साइड द आंसर इज बीन सी. इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 23 देख के समझ में आ रहा है कि आपके पास फिर से एक जेड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम था. और ओके, आपके पास डिस्क्रीट टाइम इनपुट सिग्नल था और उसका रेफरेंस लेते हुए आपको उसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना था. एंड फ्रॉम आर साइड द आंसर इज बीन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कन्वोल्यूशन का था, देख के समझ में आ रहा है सिग्नल सिस्टम का है. 24th का भी आंसर हमारे हिसाब से बी है. इसी सीक्वेंस में अपन नीचे उतर जाते हैं. देखें फिर से सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग थ्योरम का प्रॉब्लम है, फिर से सिग्नल सिस्टम का प्रॉब्लम है. फ्रॉम आर साइड द आंसर इज बीन सी. अगला क्वेश्चन जो है फाइनल वैल्यू थ्योरम का, आप इसको कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हो, नेटवर्क भी बोल सकते हो, सिग्नल सिस्टम भी बोल सकते हो. ये तीनों के तीनों अलग अलग डोमेन में फाइनल वैल्यू थ्योरम अपन पढ़ते हैं. अब किसी भी सब्जेक्ट में इसको फॉल करा सकते हैं. फ्रॉम आर साइड द आंसर इज बीन ए. इसी सीक्वेंस में देखो, अब एक चीज तो ध्यान दिया होगा आपने, सिग्नल का भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला है. ठीक है, चलिए. तो अगर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं तो फिर से ये डिस्क्रीट सिग्नल का प्रॉब्लम था, और डिस्क्रीट सिग्नल में आपको डिस्क्रीट सिग्नल का फंक्शन दिया हुआ था और उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने बोले गए थे. फिर से सिग्नल का प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू आर साइड द आंसर इज बीन ए. 27 का जो आंसर है हमारे हिसाब से वो ए है. यस, फिर से 28 देख के समझ में आ रहा है, मॉड्यूलेशन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं. फिर से ये कहाँ पहुंच गया है, कम्युनिकेशन साइड में पहुंच गया. कम्युनिकेशन का वेटेज था वो बेतहा था. मैं नहीं मानता कि इलेक्ट्रिकल वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना सारा कम्युनिकेशन पूछेगा और इतना डिटेल में पूछेगा. एनालॉग साइड में भी पूछ लिया, डिजिटल साइड में भी पूछ लिया, इन्फॉर्मेशन थ्योरी के भी एक आध क्वेश्चन आ गए. सो यस, द वेराइटीज आर बीन कवर्ड कम्प्लीटली जितना इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने की नीड है. 28 का भी हमारे हिसाब से आंसर है ए. फिर से, अ सिटीजन बैंड रिसीवर यूजिंग हाई साइड इंजेक्शन. अब यहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर के बारे में बात कर रहा है. फिर से ये प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का है. चलिए इसी सिक्वेंस में पर आगे जाते हैं. यहाँ पर फिर से रिसीवर वगैरह के बारे में बात हो रही है, ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है. अब यहाँ ये पूछा गया है, हाई गेन एम्पलीफायर आर यूज टू इम्प्रूव द नॉइस फिगर, द रिसीवर कैन ऑपरेट एट लो फ्रिक्वेंसी. आप ये बोल सकते हो ये कहीं ना कहीं एनालॉग का भी प्रॉब्लम है और कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल एम्पलीफायर्स और उनके अलग अलग बिहेवियर्स के बारे में या कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है. सो डेफिनेटली वी कैन हैव द एमलगमेशन ऑफ बोथ. 30th का आंसर हमारे हिसाब से डी आना था. ठीक है, ठीक है. 31 जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन का एक क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल जैसा क्वेश्चन था. अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अंदाजा होता डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते थे. हमारे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है सी. चलिए इसी सीक्वेंस में 32 जो है वो फिर से मशीन्स का प्रॉब्लम है, डीसी मशीन साइड का प्रॉब्लम है. टोटल 4 पोल्स हैं इस प्रॉब्लम में. एनीवेज हमारे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है डी. ठीक है, 33rd क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख सकते हैं डीसी शंट मोटर का क्वेश्चन है. हमारे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है डी. ठीक है, सिमिलरली 34 जो है वो कंट्रोल का प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू आर साइड द आंसर इज बीन ए. सिमिलरली 35 में फेस मार्जिन, गेन मार्जिन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं. फिर से कंट्रोल सिस्टम का पैड क्वेश्चन है. हमारे हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर है सी. ठीक है, 30C नॉन मिनिमम फेज शिफ्ट सिस्टम, मिनिमम फेज शिफ्ट सिस्टम के बारे में बात किया. NMPS, MPS, अगर कोई भी ओपन लूप जीरोज और पोल्स अगर राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन नहीं होंगे तो MPS. तो आप लोगों ने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा होगा. एनीवेज ये प्रॉब्लम कंट्रोल सिस्टम का है और हमारे हिसाब से 36 का जो आंसर आ रहा है वो है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यार सीधा सीधा क्वेश्चन है स्टेट स्पेस एनालिसिस का, कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में चेक करने बोल रहा है. एनीवेज हमारे हिसाब से इसका बेस्ट मोस्ट आंसर आ रहा है सी. फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोले तो स्टेट स्पेस एनालिसिस का आया. आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सिस्टम मैट्रिक्स दिया हुआ है ओवरऑल, और आपको निकालने बोला गया है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ई टू द पावर ऑफ ए टी या फाइ ऑफ टी. एनीवेज फ्रॉम आर साइड द बेस्ट मोस्ट आंसर इज बीन बी. 39 फिर से एक मैकेनिकल सिस्टम का प्रॉब्लम था. कंट्रोल सिस्टम में जनरली लास्ट का टॉपिक होता है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, इलेक्ट्रिकल में है, आप लोग पढ़े होंगे. एनीवेज 39th भी जो है वो कंट्रोल सिस्टम के साइड का क्वेश्चन है और इसका बेस्ट मोस्ट आंसर है सी. देखो कंट्रोल का भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है. सिमिलरली 40th अगर देखते हैं तो आपके पास एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम का प्रॉब्लम था और आपसे यहाँ पूछा गया है डैम्पिंग रेशियो वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है. सेकंड ऑर्डर सिस्टम का प्रॉब्लम होगा, देख के समझ में आ रहा है ये. एनीवेज द बेस्ट मोस्ट आंसर फ्रॉम आर साइड इज बीन सी. सिमिलरली इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपनसेटर्स का है. लीड लैग, लैग लीड, लीड लैग.
कंपनसेटर का प्रॉब्लम है, फिर से कंट्रोल सिस्टम का प्रॉब्लम है, 41 कैंसर है सी, फिर से 42 जो है वो एक सिंपल कंट्रोल का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको यूनिटी फीडबैक सिस्टम को रिजॉल्व करना आता होगा, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को क्रैश कर लेंगे। 42 का आंसर हमारे हिसाब से है डी। अगला क्वेश्चन फिर से कंट्रोल सिस्टम का है, नाइक्विस्ट प्लॉट से है, 43। वैसे आप लोगों को पता होगा स्टेबिलिटी वगैरह के इस तरीके के क्वेश्चन गेट में बेहिनता आए, तो ये गेट पैटर्न का क्वेश्चन था और हमारे हिसाब से आंसर है सी। यार सेम का सेम क्वेश्चन गेट में आया है, तो अगर गेट 2022 इस साल कोई भी अपियर होगा हुआ ही हुए होगे। अगर ईएसी का तैयारी कर रहे हो तो वर्चुअली आप गेट दिला रहे हो, और गेट की तैयारी कर रहे हो तो वर्चुअली ईएसी दिला रहे हो, एकदम हूबहू सेम आंसर है। तो मतलब कि अगर गेट का आंसर किसी का भी सही आया होगा, या फिर अगर हमारा एनालिसिस पार्ट भी देखे होगे ना, तो आप सीधे टिक मार के आओगे ए, एज बिन द बेस्ट मोस्ट आंसर। रेफरेंस इनपुट के बारे में कुछ बात नहीं किया था, हम जीरो लेके चलेंगे, और जो भी एरर आया था क्योलिकल डिस्टर्बेंस के कारण आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टडी स्टेट एरर का है भाई, फिर से कंट्रोल का एक पैट क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, ये रिले, रिले का क्वेश्चन है 46, यस रिले का क्वेश्चन है और हमारे हिसाब से इसका आंसर है डी। रिले का मतलब ये हुआ पावर सिस्टम का क्वेश्चन, यस, तो ये रिले का क्वेश्चन है, ये होगा सी। सिमिलरली 47 देख के समझ में आ रहा है, फिर से पावर सिस्टम का क्वेश्चन है और हमारे हिसाब से इसका आंसर है सी। सिमिलरली 48 देखते हैं, 48 शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये फिर से पावर सिस्टम का है, आंसर होगा बी। पावर सिस्टम द मैक्सिमम पावर, फिर से पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से इसका आंसर है ए। टर्बो जनरेटर, फिर से ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, भाई देख के समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर, ठीक है, तो ये क्या है, उसमें कहीं ना कहीं फिजन होता है और उससे आप एनर्जी लॉस करते हो, मटेरियल लॉस करते हो, तो ये क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में नहीं आता, तो ये होगा न्यूक्लियर। सोलर, विंड और जियोथर्मल, ये सब के सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और देख भी रहे हो इसी कारण सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल पे खूब काम चल रहा है, खूब काम चल रहा है। अब रूफ टॉप के ऊपर भी आदमी फोटोवोल्टिक सेल लगाने लगा है, लेकिन न्यूक्लियर जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होगा। बीआरसी में मैंने 5 साल काम किया है, सो यस आई कैन एंडोर्स दिस फैक्ट वेरी वेल। सिमिलरली 52nd जो है वो फिर से पावर सिस्टम का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कोर, देख के समझ में आ रहा है, मेरे को लग रहा है यस, ये प्रॉब्लम है मशीन्स का, तो मशीन्स शुरू में 4-5 क्वेश्चन आया था, उसी कंटिन्यूएशन में फिर से आया, हमारे हिसाब से इसका आंसर है ए, ठीक है, ठीक। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट है 54th का मशीन से है ये, हमारे हिसाब से बेस्ट मोस्ट आंसर है इसका बी। 55th EMF फील्ड, फिर से ये मशीन का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से इसका आंसर है डी। शॉर्ट शंट कंपोनेंट डीसी जनरेटर, फिर से मशीन का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से इसका आंसर है सी। 57 जनरेटर विद हाफ स्पीड और ग्रेटर, फिर से मशीन का क्वेश्चन है, सिंक्रोनस स्पीड पर डेफिनेटली मशीन का क्वेश्चन है, आंसर होगा डी। सिमिलरली 3 phase 60 Hz 25 HP वाई कनेक्टेड, फिर से मशीन का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से आंसर है सी। 3 phase 13.2 kV 60 Hz 50 MVA वाई कनेक्टेड सिलेंड्रिकल रोटर, फिर से मशीन का क्वेश्चन है, द आंसर इज बीन डी। 60th भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था मशीन का, फ्रॉम आर साइड द आंसर इज बीन ए। आप देख सकते हैं IGBT वगैरह के क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो आप इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रख सकते हो, और या फिर आप चाहो तो इसको एनालॉग में भी रख सकते हो, मेरे हिसाब से तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड ही जाएगा, हमारे हिसाब से इसका आंसर है डी। सिमिलरली SCR, फिर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बेस्ट मोस्ट आंसर इज बीन बी। कम्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो फिर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, SCR थायरिस्टर वगैरह से डील कर रहे हैं, तो आपका बेस्ट मोस्ट आंसर होगा ए। 64 फिर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साइड का क्वेश्चन है, एस बेस्ट मोस्ट आंसर इज बीन डी। द लाइन फ्रिक्वेंसी फेस कंट्रोलर, फेस कंट्रोलर का क्वेश्चन है, तो फिर से ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से 65 का आंसर है ए। हाफ वेव कन्वर्टर, कन्वर्टर के प्रॉब्लम बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली एसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, ये फिर से प्रॉब्लम जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, द बेस्ट मोस्ट आंसर इज बीन सी, ठीक है। 67 के दो आंसर आ रहे हैं हमारे, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, यस 67 के दो आंसर आ रहे हैं हमारे, मशीन्स के हैं, बट एनीवेज मेरे को नहीं लग रहा कि एसी के पास कोई चैलेंज वगैरह का पैटर्न है, दोनों में से एक ही आंसर एक्सेप्ट करेंगे, और दो से ज्यादा आप एक से ज्यादा आंसर लगा भी नहीं सकते थे। एनीवेज हमारे हिसाब से इसके दो आंसर्स हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोग नीचे इंडोर्स कर सकते हो अगर आप लोगों के दूसरे आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक। 68 ये मशीन्स का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से टॉर्क, यस इलेक्ट्रोमैटिक टॉर्क वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, रिलक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मशीन का क्वेश्चन है, बेस्ट मोस्ट आंसर इज बीन बी फ्रॉम आवर साइड। यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, मेरे हिसाब से पावर इलेक्ट्रॉनिक साइड को क्वेश्चन होना चाहिए, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ये एसी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 70 ये पावर सिस्टम के साइड का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से इसका आंसर है ए।
कॉन्ड्यूट अगर आ गया तो मेरे को लग रहा है फिर से पावर सिस्टम हो गया. यस, पावर सिस्टम साइड का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन सी. इसी सीक्वेंस में यस, बंडल्ड कंडक्टर का मतलब फिर से पावर सिस्टम के साइड का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन सी. 73 73, ठीक है, 73 फिर से पावर सिस्टम का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन सी. इंडक्टेंस ऑफ दिस फिर से पावर सिस्टम का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन ए. 75 फॉल्ट ओवर द पावर सिस्टम का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन सी. सिमिलरली फिर से पावर सिस्टम का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन सी. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका मैथमेटिक्स. सबसे तगड़ा क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स के गेट और ईएसी में जो इस साल पूछा गया, इंक्लूडिंग गेट एंड ईएसी ऑल ऑफ द ब्रांच, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को मैं रखूंगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर गुरुपाल सर ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जरूर देखेंगे. मेरे को लगता है 7वां 8वां वीडियो जैसे ही हमारे मेन चैनल में आप स्लाइड करके नीचे की तरफ जाएंगे, यू विल बी एबल टू नो दिस. यू विल बी एबल टू नो दिस. यस, एक काम और भी करेंगे, पीडीएफ बीच बीच में कमेंट करते जाएंगे. तो बीच बीच में क्या है, पीडीएफ का लिंक जो है वो हम कमेंट करवा रहे हैं, तो आप उसको क्लिक करोगे ना तो जो पीडीएफ मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ अभी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, लेकिन एकदम सुनहरा रंगीन कलर में आप लोगों के सामने डाउनलोड होकर प्रस्तुत हो जाएगा. आप ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे. मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो सेट सी का ले रहा हूँ, तो कोई बच्चा सेट ए सेट बी अपीयर हुआ होगा तो आप क्वेश्चन की मैपिंग कर लें, उसके बाद याद करें कि आपका आंसर ए सही होगा या बी सही होगा. कई बच्चों को याद रह जाता है कि पहले का आंसर ए था लेकिन सर तो सी बोल रहे हैं. अरे सर, सी जो है वो सेट सी का रेफरेंस लेके बोल रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दें आप. यस, इस चीज़ का ध्यान दें आप. फिर से मैथमेटिक्स का रिग्रेशन का क्वेश्चन ऐसा दिए, रिग्रेशन का आगे आएगा. हाँ, रिग्रेशन का ही है, आंसर होगा डी. ठीक, ये प्रॉब्लम जो है सक्सेसिव बैग, फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन सी. एक्सपेक्टेंसी का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बोला जाता है स्टेट्स बोल सकते हो या फिर रैंडम वेरिएबल बोल सकते हो. आंसर इज बीन सी. फोरियर सीरीज का प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की साइड का फोरियर सीरीज का प्रॉब्लम है. और मुझे लगता है कि साइन स्क्वायर एक्स का अगर एक्सपेंशन भी तुमको पता हो, अबे फोरियर सीरीज होता क्या है, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल तुम जब फोरियर सीरीज निकालते हो तो जितने भी फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज होते हैं वो सबको एक लीनियर इनफाइनाइट सम के फॉर्म में प्रेजेंट करता है. कम्युनिकेशन वगैरह में इसका वाइड यूज है ना. एनीवेज, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर इज बीन ए. इसी सिक्वेंस में फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमारे हिसाब से आंसर इज बीन डी. इस तरीके के क्वेश्चन जो है गेट के पैट क्वेश्चन रहे हैं यार, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए, इस चीज को अग्री करना पड़ेगा. आंसर इज बीन बी. ये टिपिकल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, मतलब कि मैं ये मान के चलता हूं कि 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस के साथ लगभग बच्चा इसको सॉल्व नहीं किया होगा, और सॉल्व किया होगा और बहुत टाइम देने से मुझे नहीं लगता था कि कोई एफिशिएंट तरीका था ये से में अपीयर होने का. एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर गेट वगैरह में देता तो मैं इसको ज्यादा अच्छा तवज्जो देता, बट यस इट हैड बीन अ वेरी वेल डिजाइंड क्वेश्चन. आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डबल वेरिएबल कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम का. देखो यार, लंगर में क्वेश्चंस पूछा है, मतलब कि आप ये मान के चलो गेट में जो मैथमेटिक्स का लेबल है, मैथमेटिक्स का जो दायरा है वो लगभग लगभग कवर करता दिख रहा है आपका ईएसी इलेक्ट्रिकल. सेम आपको देखने को मिल रहा है 86, फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, मैट्राइसिस का है, लीनियर अलजेब्रा का है. द बेस्ट मोस्ट आंसर फ्रॉम आर साइड इज बीन बी. इज आर साइड इज बीन बी. कितने क्वेश्चन हो गए, 87. यस, 87 क्वेश्चन. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को लाइव चैट में एक पीडीएफ का लिंक दिख रहा होगा, आप उसको जैसे जैसे क्लिक करोगे पूरा एक सुनहरा कलर का रंगीन बिरंगी जो है एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो कि आप लोगों के आंसर्स क्या है और हमारे आंसर्स क्या है. और बाय द वे, आप लोगों को लगता है कि कुछ आंसर्स वगैरह में डिस्क्रिपेंसीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो अपन ट्राई करेंगे कि आप लोगों को रिप्लाई करें, है ना. और वैसे अभी क्या है, पैरेलली हम गेट पे भी काम कर रहे हैं, तो गेट का भी अगर कोई चैलेंज नाम की चीज़ अगर लगती है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, इसका रेंज बढ़ना चाहिए था, क्वेश्चन में मिस्टेक था सर, इसको कहीं से मार्क्स टू ऑल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर एमएसक्यू में जो क्या बने थे सिक्वेंसेज बने थे, ए बी का बंडल बना था, बी सी का बंडल बना था, नहीं सर यहाँ ए बी सी सब होना था, तो इस तरीके का अगर कुछ भी डाउट है तो एक शॉर्ट वीडियो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डाला है मॉर्निंग में, तो वहाँ ऑलरेडी डिस्कशन चालू हो गया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का साथ में कि सर इस प्रॉब्लम में इस तरीके के डाउट हमको रेज हो रहे हैं और हमें लगता है कि इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए या ऑप्शन चेंज होना चाहिए, तो पूरे डिटेल्स के साथ अगर वो कमेंट करोगे तो डेफिनेटली हम इसको सीरियसली टेकअप करेंगे. ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 88 ना, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88. यस, 88 है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसका आंसर है सी. ठीक है, उसके बाद 89 भी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, आंसर इज बीन डी. 90 भी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, आंसर इज बीन ए. एंड सिमिलरली 91 भी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, आंसर इज बीन बी. 92 और 93 जो है वो मशीन्स और नेटवर्क का है, जिसका करस्पॉन्डिंग आंसर है बी और ए. बी और ए, ठीक है. ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 से स्टार्ट होता है. 94
94 का आंसर है बी, इसी सीक्वेंस में 95 का आंसर है डी। किस तरीके का क्वेश्चन है आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल्स का प्रॉब्लम है, 96 का है डी। सिमिलरली 97 का है ए। ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, देख के समझ में आ रहा है, ये होगा आपका मशीन्स का क्वेश्चन, आंसर इज बीन बी। द टेम्परेचर अबो द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल्स का प्रॉब्लम है, आप मटेरियल्स का प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, मशीन्स का प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, इसका आंसर है सी। सी सिमिलरली 100 का क्वेश्चन फिर से, ये मेरे को लगता है यस मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन बी। मटेरियल साइंस का बोल सकते हो, जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हो, यार फोटोन पैकेट्स वगैरह का थोड़ा भी अंदाजा होगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर जाएंगे, और वो है 101 का सी। सिमिलरली 102 का आंसर इज बीन ए, ए ठीक है। 103 गुड इंसुलेटिंग मटेरियल शुड पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, बोल सकते हैं मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है। 103 का हमारे हिसाब से आंसर है ए। मोस्ट सब्सटेंसेज आर बिकॉज नॉट मैग्नेट्स बिकॉज, फिर से मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस के भी क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे गए हैं, मतलब कि एक अच्छा खासा इंपैक्ट जो है मटेरियल साइंस का रहा है, और इसका आंसर जो है वो है सी। व्हेनेवर अ व्हाट पार्टिकल हैज एंगुलर मोमेंटम इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, फिर से मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, तो मटेरियल साइंस और कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि स्कोर डिफाइनिंग दो टॉपिक या दो सब्जेक्ट हैं, अगर पकड़ ढीली हुई होगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अच्छा खासा पुशबैक मिला होगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि मटेरियल्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जिनको आता है वो टिक करके आगे बढ़ेंगे, टाइम भी सेव होगा और धीरे धीरे आप अपने मार्क्स को भी इंप्रूव करते जाएंगे। अब मेजरमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन, यस मेजरमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। 106 जो था मेजरमेंट का क्वेश्चन था, आंसर इज बीन बी। गैल्वेनोमीटर फिर से मेजरमेंट का क्वेश्चन है, 107 का आंसर है ए। अगर आप ढंग से देखते हैं तो ये प्रॉब्लम एनालॉग का है, कल मैंने सॉल्व भी कराया है। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का है, आंसर इज बीन ए। 0.065 डिवाइड बाय आर बार सी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रोडायमीटर, फिर से मेजरमेंट का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन बी। फिर से देख के समझ में आ रहा है, जहां भी टॉर्क वगैरह के बारे में बात हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग डिवाइसेस वगैरह के बारे में बात हो रही है, मेजरमेंट का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन डी ठीक है। 111 फिर से मेजरमेंट का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन बी, आंसर इज बीन बी। फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं यार, पीडीएफ फटाफट डाउनलोड कर लो, पीडीएफ के लिए लिंक जो है वो बीच बीच में कमेंट डलवा रहे हैं, तो पीडीएफ एक बार फिर से कमेंट कर देंगे आप, ठीक है, पीडीएफ आप फिर से कमेंट कर देंगे ठीक। ये अब चालू हो रहा है नेटवर्क के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन आए थे नेटवर्क, अगर आप लोगों का बीटेक लेवल भी अच्छा होगा तो नेटवर्क के कई प्रॉब्लम आराम से कॉन्कर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन 112 आंसर इज बीन ए, सी इक्विवेलेंट निकालना था, सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड हैं, तो आपको एक तरफ से इनको इनकैप्सुलेट करते जाना था, और वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी था, 5 और 7 सीरीज में है तो आप 1/5 प्लस ऑफ 1/7 करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 5 और 7 दोनों से कम आएगी, 5 से कम तो आएगी, उसके हिसाब से आपका बेस्ट मोस्ट आंसर जो था वो बी था ठीक है। इसी सीक्वेंस में आप फिर से केवीएल केसीएल के बारे में बात कर रहा है, किरचॉफ्स लॉ देख लेते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट वोल्ट पर, यार सिंपल सा अगर देखो तो आप इसको सिंपल नेटवर्क थ्योरी भी बोल सकते हो या सिंपल ग्राफ थ्योरी भी बोल सकते हो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक 2.5 एम्पियर ऊपर और नीचे तो आपस में एक दूसरे को ये क्रॉस कैंसिल करेंगे तो आपके पास 5 एम्पियर का करंट जो है ऑल द वे 5 × 2.5, तो आपस में जब आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका आंसर आ रहा है 12.5, वैसे आना -12.5 था लेकिन आंसर नहीं दिया हुआ था, तो जनरेटिकली आप इसको माइनस ऑफ 12.5 की जगह में 12.5 लिखेंगे ठीक। डीसी सोर्स वही है, फिर से देखेंगे तो ये फिर से नेटवर्क का क्वेश्चन है, अब देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन आया नहीं है यार जितने एक्सपेक्टेड था, केवल 3 क्वेश्चन आया है मेरे टॉपिक से है ना, तो यहाँ से एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश किया था, 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स के हिसाब से 3 स्टेटमेंट सही थे, 4th स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश किए थे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रपोजनल होते हैं, और वहाँ पर प्रपोजनैलिटी कॉन्स्टेंट जो आती है वो आती है परमिटिविटी। परमिटिविटी 2 कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10^-12, और एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो उस तरीके से बेस्ट मोस्ट आंसर है बी। यहाँ पूछा गया है इंडक्टर ने कितना चार्ज कितना एनर्जी स्टोर करना है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है आपका इंडक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है आपका कैपेसिटर, तो आप लोगों को थोड़ा भी अंदाजा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में होता सो इट कुड हैव बीन ए ए ठीक।
इसी सीक्वेंस में मुझे लगता है ये फिर से नेटवर्क में ले सकते हैं इस क्वेश्चन में. आपके पास एक इंक्रीजिंग RL सर्किट है तो आपसे ये पूछा गया है कि टाइम कांस्टेंट में आपका वर्थ जो है स्टडी स्टेट से कितना परसेंट पहुंचेगा. तो ये लगभग पहुंचता है 63.2. अगर ये डिक्रीजिंग होता तो 36.8 होता. ठीक है, 121 मुझे लग रहा है कि ओके 121 का आंसर है ए. PCI एक्सप्रेस ये फिर से देखेंगे तो ये नेटवर्किंग साइड चला गया या फिर मैं बोलूँ COA की तरफ चला गया. तो COA का प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हैं 122 का ए. जस्ट अ मिनट, मैं देख लेता हूँ, एग्जैक्टली बता देता हूँ. यस, तो ये मैं बोल सकता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल जो है ना उस साइड के क्वेश्चन है. 122 का ए, 123 भी जो है कंप्यूटर फंडामेंटल के साइड का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन ए. 124 को होल्ड एंड वेट, ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है. माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन डी. रेडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, फिर समझ में आ रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है. आंसर इज बीन ए. स्टैक ओरिएंटेड मशीन फंडामेंटल का है, आंसर इज बीन ए. वर्चुअल मेमोरी फिर से फंडामेंटल का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन बी. फाइल सर्वर सिस्टम, भाई अगर तुमको थोड़ा सा भी अगर सर्वर्स वगैरह के बारे में आता हो, चाहे वो फाइल सर्वर हो, चाहे वो वेब सर्वर हो, चाहे वो SMTP सर्वर हो, चाहे वो पॉप सर्वर हो, चाहे वो ईमेल सर्वर हो, डेफिनेटली आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा रखेंगे. तो आंसर इज बीन सी. यार अच्छा खासा है, देखो देखो आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में पूछ रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल, और इस क्वेश्चन का आंसर भी है बी. यहाँ से स्टार्ट होता है 130 कहाँ से है देख लेते हैं. 130 से फिर से आप लोगों का लगभग लगभग जो है ना कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है देख लेते हैं. तो 130 आंसर इज बीन ए. ट्रांसड्यूसर की बात हो रही है तो आप इसको मेजरमेंट बोल सकते हैं, आंसर इज बीन सी. गेजेस की बात हो रही है, फैक्टर गेजेस, तो फिर से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉब्लम है या इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है. 132 का आंसर इज बीन डी. प्रेशर रेंज ऑफ आयनाइज्ड गेजेस, यार इस पे मैंने BRC पे काम किया, तो मेरा काम जो है वो मेजरमेंट, एक्चुअली मैं प्रोसेस मेजरमेंट के साइड था और गेजेस वगैरह के बारे में बात कर रहा था, तो प्रोसेस मेजरमेंट का प्रॉब्लम है, आंसर इज बीन सी. द हाफ वेव रेक्टिफायर AC वोल्ट मीटर फेड विद, आप इसको नेटवर्क का प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर इलेक्ट्रिकल में अपन दोनों जगह डील करते हैं. मेजरमेंट का क्वेश्चन है 135 डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर का, और इसका बेस्ट मोस्ट आंसर है ए. सिमिलरली ये प्रॉब्लम देखें तो यार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बोल सकते हो, एनालॉग का भी बोल सकते हो. 136 का आंसर इज बीन डी. पावर गेन पूछा है, सीधे सीधे एनालॉग का बोल सकते हो आप, आंसर इज बीन सी. कॉमन बेस एम्पलीफायर फिर से एनालॉग का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन बी. क्यूशन पॉइंट ऑफ एम्पलीफायर फिर से डीसी क्यूशन पॉइंट, डीसी स्टेबिलाइजेशन पॉइंट, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, एनालॉग का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ द कॉमन एम्पलीफायर. सीधी सीधी बात है भाई, थोड़ा भी अगर ढंग से पढ़ा होगा आप लोगों ने एनालॉग, सीधे सीधे इस प्रॉब्लम को आप अटैक करेंगे. एनालॉग का क्वेश्चन था 140वां, आंसर इज बीन डी. ऑपएम का क्वेश्चन था, फिर से ये एक एनालॉग का क्वेश्चन था, आंसर मस्ट बी बी. एक प्रॉब्लम जो है वो बाकसन क्राइटेरिया को मीट कराने की कोशिश कर रहा है सस्टेंड ऑस्किलेशन के लिए. प्रॉब्लम है ऑस्किलेटर का, आंसर इज बीन डी. एनालॉग का होगा ऑब्वियसली. फिर से अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिस्टर का है, एनालॉग का है, आंसर इज बीन डी. एंड फॉर अ सर्टन रिवर्स वोल्टेज इन अ ट्रांजिस्टर, यार आप इसको बोल लो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि एवलांचे या फिर मैं बोलूँ डिवाइस लेवल की स्टडी अपन एनालॉग में नहीं करते लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन सी. एन टाइप सेमीकंडक्टर, हॉल इफेक्ट के बारे में पहुंच गया, फिर से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच गया, आंसर इज बीन सी. 140 देख के समझ में आ रहा है मोटर्स वगैरह कनेक्ट कर रहा है, डीसी मोटर ले लिया है, सिंक्रोनस मोटर ले लिया है और आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है टेबल के थ्रू. तो यस ये मशीन्स का क्वेश्चन था, 146 जो था मशीन्स का क्वेश्चन था, आंसर इज बीन बी. आंसर इज बीन बी. पीएन जंक्शन डायोड, या फिर से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, आंसर इज बीन बी. 148 देख के समझ में आ रहा है DMA कंट्रोलर्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर से डील कर रहा है. प्रॉब्लम था माइक्रो प्रोसेसर का, आंसर इज बीन ए. 149 जो था वो फिर से कंप्यूटर फंडामेंटल्स का क्वेश्चन था, ये माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा. आपसे यही पूछा गया है कि आपको हाईएस्ट रेट जो है वीडियोग्राफिक्स में वो किस मेमोरी में मिलेगा, तो ये VESA बस बी में मिलेगा. एंड सेम द लास्ट इज बीन द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. तो मुझे लगता है यार जो आप लोगों के रैंक डिफाइनिंग कुछ सब्जेक्ट जो आ गए ना मेरे हिसाब से वो कुछ ये थे. सबसे पहले था कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में उनने न केवल क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखी है, इवन स्पैन भी अच्छा खासा रखा है, स्पैन भी अच्छा खासा रखा है. दूसरा हो गया यार कंट्रोल वगैरह तो आते हैं लेकिन कंट्रोल में क्वेश्चंस खूब आए हैं, ठीक है. और दूसरा होता है मुझे लगता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग लगभग उतना दायरा कवर कर लिया गया है जितना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता है. यस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट में है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर.
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। एनीवेज आप लोगों को अगर लगता है किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करें, और पैरेलली हम गेट पे भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। कामेश्वर सिंह, आई एम इन नेपाल, आई वॉन्ट टू बाई द गेट अकेडमी बुक, विल यू प्रोवाइड? यार कामेश्वर सिंह, एक काम नहीं कर सकते आप, आपके कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जो हैं इंडिया में रहते हो उनको हम डिस्पैच कर देंगे, वहाँ से आपके तक पहुँचाएगा। डिस्पैचिंग बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, एक बार मेरे को अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी, हमारी टीम से, तो ज़्यादा अच्छे से मैं आपको रिपोर्ट कर पाऊँगा। बट किसी भी घर में मंगा लो यार, आसानी से पहुँच जाएगा, कोई आता जाता होगा, मान लो इंडिया से रिलेशन तो होगा ही, आपके फैमिली रिलेशन होंगे, है ना? और वैसे भी नेपाल और इंडिया के बीच में वीज़ा वगैरह का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, पासपोर्ट का कोई कंसेप्ट है नहीं, है ना? तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर लो, अदरवाइज आप मेरे को टेलीग्राम में मेरे को पिंग करना, मेरा टेलीग्राम लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, मैं कुछ वे आउट निकालता हूँ। क्योंकि नेपाल से मेरे को याद है कि 2018 में जो हम लोगों का ग्रांड बैच स्टार्ट हुआ था, नेपाल से भी कुछ बच्चे आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यस नेपाल से एक हमारा अच्छा कनेक्शन हमेशा रहा है, ठीक है? नॉट ओनली इन कंट्री लेवल, इवन एज अ एकेडमिशियन भी हम एक अच्छा खासा उनसे एक बॉन्डिंग बना के रखे हुए हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को और कुछ डाउट है तो आप लोग रेज कर लीजिए, अदरवाइज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन में आऊँगा। हाँ ठीक है, तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल डल गया है कामेश्वर सिंह, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल डल गया है बेटा, तो आप एक काम करो, बिल्कुल कॉल करो, आप कुछ ना कुछ वे आउट जरूर देंगे आपको। सर फीलिंग सो लो गेटिंग ओनली 76 इन G2020 सर इन EE। भाई एक चीज ध्यान रखो, 76 इज ऑलवेज अ गुड मार्क्स, पेपर टफ हो आसान हो सब बाद में आता है। तो आप एक काम करो, लो और हाई कुछ नहीं होता लाइफ में, जो आया है उसको एक्सेप्ट करो और उससे बेस्ट निकाल के दो। तो लो और हाई तो मेरे को समझ में ही नहीं आता, आई एम फीलिंग हाई, आई एम फीलिंग लो, दो चार मोटिवेशन के वीडियो देख लिए तो तुम्हारा पता नहीं एड्रेनलिन कहाँ पहुंच जाता है, या फिर थोड़े से कम मार्क्स आ गए तो कहाँ पहुंच जाता है। भाई लाइफ में जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, बस एक चीज कर सकते हो, मेहनत और प्रॉपर सिलेक्शन, कि जो आ गया है उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने को आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है? कोई डाउट है तो आप लोग कर लो, बट एक बार और फिर से लिंक शेयर कर देंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि PDF का लिंक फिर से शेयर कर रहा हूँ, और लास्ट में PDF को पिन कमेंट कर देंगे तो कोई भी बच्चा डाउनलोड कर लेगा। चलिए फिर आज का सेशन अपन यही एंड करते हैं, होप सो मजा आया होगा। और अगर बाय द वे आप लोगों को चैलेंज वगैरह रेस करना है तो मेरे पुराने वीडियो में चैलेंज जरूर रेस करना। बाय बाय, टेक केयर।